हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम इंस्टेंट चूंदा बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। बिना कोई झंझट मारे के ये 10 मिनट के अंदर ही बन जाता है। वैसे ट्रेडिशनली चूंदा होता है वो धूप में बनाया जाता है, पर आज के ज़माने में कभी कभी टाइम नहीं होता है हमारे पास और खाने की भी इच्छा होती है, तो इसे आप बनाकर साल भर स्टोर कर सकते हैं। ये हम आज पे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं रेसिपी कैसे बनाना है इसे। तो चूंदा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कैरी ले ली है, जिसे हम छीलेंगे और इसे ग्रेट कर लेंगे। पर उसके पहले देखेंगे कैरी कैसी लेनी, तो इस तरीके से दाग वाली कैरी ना ले, एकदम हरी और एकदम कच्ची कैरी होनी चाहिए और खट्टी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर खट्टी होगी कैरी तो शक्कर ज़्यादा लगेगी। तो जब भी आप कैरी खरीदने जाएं तो उसे बोले कि हमें खट्टी कम दे कैरी, और इस तरीके से धो के अच्छे से कपड़े से पोंछ दे और इसे सूखी कर दे और फिर इसे छील दे। तो यहाँ पे हम छिलका जो है वो थोड़ा सा मोटा निकालेंगे। छिलका मोटा निकालने से चूंदा जो है वो और भी जल्दी पक जाएगा। काफ़ी लोग इसे छिलके के साथ बनाते हैं, पर छिलके के साथ बनाने से क्या होता है कि ये जो छिलका है ये थोड़े टाइम के बाद शक्कर के साथ होने की वजह से कड़क हो जाता है। अब यहाँ पे हम ग्रेटर ले लेंगे, तो मैंने मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट कर दिए कैरी। एकदम बारीक वाला ग्रेटर ना लें, उससे ये जो कैरी के जो लच्छे हैं वो दिखेंगे नहीं चूंदे में। अब हम मेजर करेंगे कैरी कितनी है घिसने के बाद, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 290 ग्राम्स के करीब ये कैरी है, क्योंकि इसका छिलका और गुटली निकल गए हैं। तो 290 ग्राम्स कैरी है, इसे मैं फिर से बोल में ले लूँगी। और अब हम शुगर मेजर करेंगे, तो यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ली है। पाउडर शुगर लेने की वजह ये है कि इससे ये जो चूंदा है ये जल्दी पक जाता है और चाशनी बनने में टाइम नहीं लगता है। अगर हम शक्कर लेते हैं सिंपल वाली तो उससे थोड़ा सा टाइम लगता है और कभी कभी स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी यानी कि तार जो है वो कड़क हो जाता है, तो इसकी वजह से पाउडर शुगर ही ले बनती। कोशिश नहीं है तो आप वो शुगर भी ले सकते हैं। अब ये पाउडर शुगर और कैरी आपको दोनों को मिक्स कर देना है और हाथों से इस तरीके से मिक्स करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए रख दें। आप यहाँ पे अगर वो शुगर यूज़ कर रहे हैं ग्रैन्यूलेटेड तो भी आपको यही प्रोसेस करना है, और इसे हम 5-7 मिनट के लिए अलग रख देंगे। और जब इसका पानी थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा तो हम फिर इसे पकाएंगे। इसको पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ये 10 मिनट के अंदर ही पक जाता है, चूंदा बन जाता है 10 मिनट के अंदर, तो इसीलिए हम इंस्टेंट बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे हम नमक डाल देंगे और काला नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और फिर से मिक्स कर देंगे इसे। काला नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये मिक्सचर को हम गैस की आंच पे रखेंगे, तो पहले आपको आंच स्लो रखनी है, 1 या 2 मिनट स्लो रखें, और जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो आंच को मीडियम फास्ट कर दे, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए और इसकी स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे बीच में जब ये उबल जाएगा तो हम 1-2 बार चेक करेंगे इस तरीके से कि शक्कर का तार बना है या नहीं। तो इस तरीके से देखिए अभी टाइम है इसको बनने में, तो 2 से 3 मिनट में ये बन जाएगा क्योंकि शक्कर उबल गई है, और एक तार की चाशनी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो ये हल्का तार और आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने सेकेंड टाइम चेक किया है। अब मैं यहाँ पे 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी, 3 से 4 लौंग डाल देंगे इसके अंदर, और 2 से 3 साबुत इलायची डालेंगे। आप चाहें तो इलायची के दाने निकाल कर या फिर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, तो यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये सब मैं डाल के और 1 मिनट उबालूँगी, तब तक इसकी स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। तो अब हम यहाँ इसे मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से, और एक बार और इसे चेक करेंगे। तो मैं थोड़ा प्लेट में ले लूँगी, हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा तो हम फिर से देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये तार बन रहा है, तो बहुत अच्छे से बन रहा है। अब आँच बंद कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा पकेगा तो और भी गाढ़ी हो जाएगी इसकी चाशनी।
तो इस समय आँच बंद कर दे और इसे नीचे उतार दे, इसे हल्का सा ठंडा कर दे और फिर अच्छे से स्टरिलाइज़ की हुई साफ़ सुथरी बॉटल में इसे भर दे और साल भर एंजॉय करें इसे पूरी पराठा और चपाती के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ ऐसे ही कुछ हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।